पूरा दूषित हो गया। राम लक्ष्मण जान की, राम लक्ष्मण जान की, राम लक्ष्मण जान की, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। आप से इतनी ज्यादा नहीं करेंगे, आपके साथ मसला तो है नहीं, तो आप अपने बताइए कि हम लोग साथ जा रहे हैं। हम लोग मान लिया कि जब एक साल रहेगा तो हम लोग क्या मिले, हम आप ये बता दें अच्छा बताइए इसको ना अरे यही बैठे यही आएगा, कुर्सी बैठ के नहीं आएगा, जमीन बैठ के आएगा, लोकतंत्र नहीं आएगा क्या, डेमोक्रेसी नो मोर। मैं चाहूंगा पब्लिक ने चुन के भेजा हमको अन्याय खिलाफ आवाज उठाने के लिए, अन्याय खिलाफ आवाज उठाने के लिए चुन के भेजा हमको, कोई भी अन्याय करेगा हम गुलाम है आपके, हम गुलाम है, वहां जाए हम नौकर लगे उनके, वो बंद कर दे किसी को भी गुलामा बुलाइए, हम लोग बंद होने आए, हमको बंद करिए, बस सिंपल बात इतनी है, बता दीजिए ना आप बताइए विधायक बैठे हुए कोई चार्ज नहीं है, नशा नशा केवल नशा जल्दी आ जाओ, मैं आ जाओ, केवल इतना है कि उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से बात कर रही है, बस और लोग भी आ गए, इनको बंद करना है, क्या करें सर, पूछ लीजिए क्या करना है, देखिए मैं आया था पंची थाने में, आप लोग मालूम है एक अलोकतांत्रिक तरीके से मुकदमा लिखा गया, उस मुकदमे के खिलाफ हम लोग आए थे, हमारा मन था कि बजरंगबली बाबा ने रावण के अहंकार को तोड़ा था, और रावण से बड़ा अहंकार किसी का था नहीं, ये तो केवल एक अधिकारी के अहंकार की बात थी, तो हमने बाबा बजरंगबली का आशीर्वाद लिया और हम लोग दंडवत करके जाना चाहते थे, कुछ दंडवत लगा भी ली थी, तब तक वरिष्ठ अधिकारी आए हैं, उसमें महिला अधिकारी भी आई हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारी जो बातें हैं, हमारी जो मांगे हैं, उन पर वो सहानुभूति पर विचार करेंगे, निष्पक्ष विचार करेंगे, तो उनको हमने अपना मांग पत्र सौंपा है और ये सरकार से मांग करी है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। क्या क्या मांग की है? ये जो मूल वीडियो था जिसमें DCP और सम्राट विकास के बीच विवाद की बात कही जा रही है, जहाँ से घटना की चिंगारी उठी थी वो वीडियो जारी करिए,
हमारे मोबाइल में वीडियो था, हमारे क्या करता मोबाइल में वीडियो था, पुलिस ने छीन करके मोबाइल को फॉर्मेट कर दिया और वीडियो को डिलीट कर दिया, फॉर्मेट कर दिया ताकि वीडियो रिट्रीव ना हो सके, तो वो मूल वीडियो जारी किया जाए। जब घटना में हमारी शिकायत डीसीपी स्तर के अधिकारी से है और उसका मुकदमा इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी लिखेगा, वादी बनेगा और उससे भी छोटा अधिकारी उसकी जांच करेगा, तो बताओ निष्पक्ष क्या होगा। ए डीसीपी ने घटना की जांच करी और हमारा बयान नहीं लिया, बगैर हमारा पक्ष जाने मुकदमा लिख लिया। तो इन सारी बातों को लेकर हम लोग क्षुब्ध थे, तो हम लोगों ने अपनी बात को रखा है, अधिकारियों ने आश्वासन दिया, तो हम लोगों ने भी चूंकि कानपुर की लोक व्यवस्था का सवाल है तो हम लोगों ने अधिकारियों की बात को फिलहाल माना है। अगर चुनाव का पीरियड है तो चुनाव पर इनको हम समय देना चाहते हैं कि चुनाव में लोक व्यवस्था भंग ना हो, लेकिन इस पीरियड में अगर उस मुकदमे का ठीक निस्तारण नहीं हुआ तो चुनाव के बाद हम लोग दोबारा घोषणा करेंगे, तभी आचार संहिता भी नहीं होगी और तभी धारा 144 भी नहीं होगी, केवल समाजवादियों का सैलाब होगा और देखेंगे कानपुर पुलिस कैसे रोकती है। देखिए अभियोग पंजीकृत था लेकिन इसमें कोई गिरफ्तारी की धारा नहीं थी और आज तो शनिवार है, वैसे भी हम ड्यूटी रहती है, विधायक जी आए थे, उन्होंने कुछ बातें अपनी रखा है जिसको संज्ञान में लिया गया है। हम लोग वरिष्ठ अधिकारियों से जो उन्होंने तथ्य रखे हैं लिखित रूप से उस पर डिस्कस करेंगे और चूंकि उसमें कोई गिरफ्तारी की धारा नहीं थी इसलिए गिरफ्तारी का कोई औचित्य भी नहीं था और हम लोग आए भी नहीं थे कि गिरफ्तार